तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, हमने कुछ नंबर्स डाले हैं सर। सर जी बोलिए, आजकल जी सर रिकॉर्डिंग परमिशन कर दीजिए। ये दिया मैंने हाँ सर, हो गया अब। जैसे कि ये नंबर्स हमारे पास, ये नंबर्स में मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 कौन सा है। मुझे जस्ट चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन से नंबर्स हैं। इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 50 हमने लिखा और एंटर मार दिया। मतलब कि आप डायरेक्ट अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जनरली इसके लिए लोग इफ लगाते हैं, लेकिन इफ इस चीज के लिए नहीं होता है जो चेक करके बताएगा कि हाँ ये ग्रेटर देन 50 है। इफ का काम होता है ट्रू एंड फॉल्स है उसके जगह पे खुद का रिजल्ट देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ और हमने इसको सिलेक्ट किया और लिखा कि ओके कॉमा पेंडिंग, ओके पेंडिंग। तो इफ क्या करेगा कि बी वन के ऊपर अगर ट्रू हुआ, इफ का ट्रू पार्ट जो वैल्यू ऑफ ट्रू लिख दिख रहा है आपको वो शो करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट वैल्यू फॉल्स है उसको शो करेगा। सर लेकिन क्या है कि हम लोग टाइम बचाने के लिए और जगह मतलब सेल्स को बचाने के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन ओके, अदरवाइज पेंडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेशंस हमने किया लॉजिकल ऑपरेशंस, ये पार्ट ऑफ इफ है, ये इंडिविजुअल है। हम इफ में इसके साथ कंबाइन करते हैं। आप बात करते हैं इफ या क्यों, कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना है तो आप इक्वल प्रेस करेंगे, उस फॉर्मूले का वर्ड लिखेंगे तो उसका लिस्ट आ जाए। आप एरो की इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप टैब का प्रेस करेंगे तो टैब प्रेस करते ही आपको वहां पे वो फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाए। बाद इसमें इसका सिंटैक्स आता है नीचे, सिंटैक्स जैसे लॉजिकल इफ, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, लॉजिकल टेस्ट जो है ये कोई बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर है, बट वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो ऑप्शनल है, और जो बगैर ब्रैकेट का है वो रिक्वायर्ड है, मतलब कि बिना लॉजिकल आप बाहर नहीं आ सकते, लॉजिकल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं लॉजिकल मतलब कि यहां पे कंडीशन दे दिया अब मैं वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स ना भी डालो तो रिजल्ट हमारा डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये हर फॉर्मूले में होता है, अब वी लुकअप भी लगा लीजिए देखेंगे तो लुकअप वैल्यू टेबल वाले कॉलम इंडेक्स नंबर आपका रिक्वायर है, डालना ही पड़ेगा, बट रेंज लुकअप जो है आपका ये आपका ऑप्शनल है। अब चलिए हम इफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहां पे कुछ नेम लिखते हैं, पूजा लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। अब मुझे यहां पे यूनिक एंड डुप्लीकेट को फिल्टर लगाना है, यूनिक एंड डुप्लीकेट को हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो यहां पे हम देंगे कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू वो अपने ऊपर वाली वैल्यू के बराबर है तो यहां पे डी फोर डुप्लीकेट आएगा, अदरवाइज यू फोर यूनिक ठीक है। एंटर मारता हूं और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, तो यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे इंदौर और इंदौर आपस में बराबर है इसलिए डी आ गया और डी कंटिन्यू देता फिर यहां पे आया, तो यहां पे देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यू को यूनिक आ गया। इसी में मान लीजिए मैं सीरियल नंबर देना चाहता हूं इस तरह से 1 2 3 इस तरह से, तो मैंने यहां बोला कि इफ ये आपस में बराबर है तो अपने से ऊपर वाले में प्लस 1 कर दें, अदरवाइज 1 से स्टार्ट, यहां 1 से स्टार्ट। यहां देखिए सीरियल नंबर आते हैं, जैसे नेम चेंज हुआ वापस से 1 से स्टार्ट हो गया, जैसे चेंज हुआ। ठीक है, बढ़िया सर।
इसी तरह से अब सीरियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सीरियल नंबर लिखना चाहता हूं, यहां पे नेम और चीजें भी होगी। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वन लिखते हैं और यहां पे नेम लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं नाम लिखूं सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली मेरा जनरेट हो जाए। जैसे हम सीरियल नंबर लिखें अपने आप जनरेट, यहां पर हुआ कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, हमने जीरो के दिया क्योंकि जो ब्लैंक सेल होता है ब्लैंक सेल को सिस्टम जीरो ही समझता है। ब्लैंक सेल को सिस्टम जीरो समझता है। तो यहां पे हमने बोला कि अगर जीरो है तो ब्लैंक हो, नहीं तो अपने ऊपर वैल्यू में वो प्लस वन कर, और फिर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग। मैंने ओम लिखा और माफ कीजिएगा, हमने ग्रेटर देन ने इक्वल टू करना चाहिए, छोटी सी गलती हो गई हमसे। हमने बोला कि अगर सामने वाले वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक, अदरवाइज नंबर। जैसे हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट होते जाए। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत एक है कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम छोड़ दूं और यहाँ पे अगर डिस्कस करता हूं, मैं लिखता हूं मान लीजिए मोहन, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। दीपेंद्र जी बताइए यहाँ पे एरर क्यों आया? हेलो, दीपेंद्र जी बताएंगे एरर क्यों आया? सर फॉर्मूला गलत लगा ऐसा, इसलिए नहीं, फॉर्मूला सही है। सर पता नहीं गलत, बेसिकली क्या है यहां ऊपर देखिए क्या है, ब्लैंक जो है इक्वल टू ब्लैंक और ब्लैंक प्लस वन। ए फाइव क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक क्या होता है? टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट में आप प्लस वन नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैंक जो है टेक्स्ट है। तो ऐसी प्रॉब्लम जैसी आप बीच में कोई गैप करेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है?
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक, अदरवाइज मैं यहां लगाऊंगा मैक्स का। बोलूंगा कि जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां से उसके ऊपर जितनी वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस, और ड्रैग करने से पहले हम पहले वाले इसको फ्रीज कर देंगे डॉलर। फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, अब ब्लैंक हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैक्स का फीचर आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्स क्या करता है, सिलेक्टेड सेल में मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, और इसको ब्लैंक और टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसको इग्नोर कर। अब अगला, अब सीरियल नंबर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि टॉप, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 15 दे दिया तो मेरा सीरियल नंबर 15 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए यहां लगाएंगे कि इफ अपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन 15 है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज अपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर। अब यहां पे हमारा डी वन फिक्स है इसलिए इसको हम फ्रीज कर दे, ड्रैग कर। तो यहां पे छोटी सी दिक्कत आएगी कि 15 जो लगा हमारा एक से यहाँ पे 15वें के बाद, इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिख गया, उस पर एरर आ गया। एरर आने की वही तरीका है क्योंकि वो ब्लैंक में प्लस वन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मुझे एरर को बाईपास करना है। एरर को बाईपास कर, हमें चाहते हैं एरर आया तो उसको इग्नोर कर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर, जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है और उस एरर के जगह पे आप कोई अपना चीज एंटर्ड करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ इफ एरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ एरर और यहाँ पे बताए। तो इस एरर के पहले पार्ट में हमने अपना फॉर्मूला दे दिया और दूसरे पार्ट में हमने ब्लैंक दे दिया। ठीक है, अगर ए आपका ब्लैंक आता, ए आपका एरर आता है तो ब्लैंक से। अब मैं यहां पे अगर 10 करूंगा तो सीरियल मेरा 10 तक जाएगा, 15 करूंगा तो 15 तक जाएगा, 20 करूंगा तो 20 तक जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रॉम 2 लगाना चाहता हूँ, भाई मेरा सीरियल नंबर फ्रॉम 2 हो, मैं चाहता हूँ 5 से 20 होना चाहिए, कैसे करें? तो यहाँ पे जो हमने मैनुअली 1 दिया हुआ है इसको हम स्टार्ट नंबर के साथ लिंक करेंगे, जो नंबर डालेंगे उससे ही स्टार्ट होगा और जहां डालेंगे वहीं तक ही हमारा। क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? कोसनायन जी, कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर, समझा भी नहीं। कोई कौन नहीं समझा? मैं नहीं समझा। नाम जान सकता हूँ सर? नाम तोष त्रिपाठी। जो समझ में नहीं आएगा हम बात करें। इस फॉर्मूले को समझिए, इफ सिंपल, इसमें क्या है, हमें सीरियल नंबर जनरेट करना है, तो हमने लिंक कर दिया स्टार्ट नंबर को, सीरियल नंबर जनरेट तो करना है लेकिन इससे ज्यादा नहीं,
तो यहाँ पे हमने सिंपल दिया कि इफ अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करते हैं उसका रिजल्ट अगर वो ग्रेटर देन यहाँ जो मैक्सिमम है वो है उससे ज्यादा है तो कुछ शो नहीं करे, ब्लैंक शो करे, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर। तो इसने चेक किया कि ए फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स है और सिक्स हमारा डी वन से बड़ा नहीं है इसलिए यहाँ पे सिक्स, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें आगे नीचे एरर आ सकते हैं तो हमने क्या किया इसमें एक एरर का फॉर्मूला लगा दिया। इफ एरर तो समझ में आ गया। हाँ तो इफ एरर काम होता है कि कोई फॉर्मूला का रिजल्ट एरर आ सकता है तो एरर के जगह पे जो देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको कैलकुलेशन समझाया था लेकिन हमने बोला था आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना के भेजिए पर किसी ने नहीं भेजा सर। तो अब क्या कीजिए कि कल की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना टॉपिक था और आज आप मुझे इफ के देखिए, मैंने आपको पांच छह एग्जाम्पल बताया इफ के, ऐसे दस एग्जाम्पल इफ के बना के मुझे भेजिए। कल हम इफ में मल्टीपल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करें, मत पूछो घर में आग लगा, ठीक है। तो आपको दो चीज करना है, कल के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और आज का इफ, दोनों पे छोटे छोटे एग्जांपल बनाने हैं और भेजने हैं, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, ओके, मिलते हैं कल से। मुझे थोड़ा वीडियो भेज दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर।